हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे पाएं डैंड्रफ से छुटकारा सिर्फ 2 दिनों में। आइए जान लेते हैं असरदार उपाय। जैसे जैसे मौसम में चेंजेस होना शुरू होता है, वैसे ही हमारे बालों में रूसी होना मीन्स डैंड्रफ की समस्या बढ़ने लगती है। आपके स्कैल्प की त्वचा के छोटे छोटे टुकड़े जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं, आपके बालों से जुड़ी कई परेशानियों का सबब हो सकता है। बालों में डैंड्रफ होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ऑयली हेयर्स, हेयर इन्फेक्शन, बालों की सफाई न करना, त्वचा से संबंधित बीमारी होना आदि। आज की वीडियो में मैं आपको हेयर डैंड्रफ से छुटकारा पाने के कुछ असरदार उपाय बताऊंगी। इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। जान लेते हैं इन उपायों के बारे में। पहला उपाय, नींबू। नींबू में कई ऐसे गुण होते हैं जो त्वचा की सफाई से लेकर वजन घटाने तक के लिए असरदार होते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले एक नींबू का रस निकाल लीजिए और अपने बालों को गीला कर अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाइए और 5 मिनट तक लगा कर रखिए। 5 मिनट बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। ऐसा हफ्ते में 2 बार करने से आपके बालों से डैंड्रफ दूर हो जाएगा। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो एक अच्छा क्लींजर है। उपाय नंबर 2, मेथी। मेथी दाना में अमीनो एसिड और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो बालों को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। इसका यूज करने से बाल जड़ों से मजबूत होते हैं और स्कैल्प से रूसी दूर हो जाती है। इसके लिए आप सबसे पहले एक बाउल में मेथी लीजिए और उसमें पानी मिलाकर भिगो दीजिए। जब मेथी अच्छे से गल जाए तो उसे पेस्ट बना लीजिए और अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लीजिए और आधे घंटे बाद किसी हर्बल शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। ऐसा करने से बालों से न सिर्फ डैंड्रफ दूर होता है बल्कि उनकी अच्छी कंडीशनिंग भी होती है। तीसरा उपाय, बेकिंग सोडा। इस पेस्ट को बनाने के लिए आप सबसे पहले 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लीजिए और उसमें थोड़ा मात्रा में पानी मिला लीजिए और बालों की जड़ों में लगाइए। इसको 3 मिनट तक लगे रहने दीजिए और 3 मिनट बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए। बेकिंग सोडा बालों की गंदगी को साफ करता है और साथ ही बालों से केमिकल का असर भी खत्म करता है। ऐसा हफ्ते में 1-2 बार करने से ही बालों का डैंड्रफ दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।